योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपनी उपलब्धियां बताने के साथ विपक्ष की पोल भी खोले। प्रोपेगेंडा के अलावा विजनलेस विपक्ष के पास गिनाने को कुछ नहीं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने भाजपा कार्यकर्ताओं का किया आह्वान, कहा विपक्ष की साजिशों से बेपरवाह होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। यूपी में नौकरी का आधार क्षेत्र या जाति नहीं, सिर्फ मेरिट। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष विजनलेस है, उसके पास गिनाने को कुछ भी नहीं है, लिहाजा वह सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। हालिया घटनाएं इसका सबूत है। केंद्र और राज्य सरकार ने जनहित में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। भाजपा कार्यकर्ता लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ साथ विपक्ष की पोल भी खोले। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां अपने सरकारी आवास पर आज कानपुर देहात की घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित के मंडल सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों से ऑनलाइन मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के इस उपचुनाव में बूथ के गठन और उसके बाद मतदाताओं से गहन जनसंपर्क पर पूरा फोकस करें। कोरोना के कारण पहले परिदृश्य में यही जीत की कुंजी है। संपर्क के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लोगों को बताएं कि अब नौकरियां क्षेत्र या जाति के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ मिलती है। इसी आधार पर 3.5 साल में 3 लाख युवाओं को नौकरियां मिली हैं। जल्दी ही इतने ही युवाओं को और मिलेगी। अब सत्ता के संरक्षण में अपराधी और माफिया पनपते नहीं बल्कि पनाह मांगते हैं। जंगल राज के नाते अब उद्यमी यहां से अपना कारोबार समेटते नहीं बल्कि लगाने को ललायत और लगा भी रहे हैं। अब बिजली सिर्फ कुछ VIP जिलों को नहीं, सबको समय पर मिलती है। CM योगी ने कहा कि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से देश को श्रेष्ठ, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए ढेरों काम हुए हैं। यहाँ तक कि कोरोना के अभूतपूर्व संकट के दौरान भी उनके मार्गदर्शन में असाधारण काम हुए हैं। दूसरे प्रदेशों में रहने वाले 40 लाख से अधिक श्रमिकों और कोटा एवं राजस्थान में रहने वाले हजारों छात्रों की सकुशल और ससम्मान वापसी हुई। हर आने वाले श्रमिकों के अलावा लाखों की संख्या में जरूरतमंदों को भरण पोषण भत्ता और राशन दिया गया। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है। हमारी युवा और उनका कौशल हमारी पूंजी है। ODOP विश्वकर्मा श्रम सम्मान के जरिए प्रशिक्षण देकर लाखों युवाओं को स्वरोजगार दिया गया। विकास यह सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा हमारी आस्था का केंद्र है। इनके अविरलता और निर्मलता के लिए कानपुर में बहुत कुछ किया गया और किया जाएगा। करीब 100 साल बाद सिसमऊ में अब एक बूंद भी गंदा पानी नहीं गिरता है। प्रदेश सरकार में मंत्री रही कमल रानी वरुण के असामयिक निधन पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोकप्रिय, जुझारू और विचारधारा के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि थीं। पार्षद से शुरू होकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचना इसका सबूत है। उनके परिवार और परिजनों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जिनका विकास से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है, उनके पेट में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अगुवाई में होने वाले चौतरफा विकास से मरोड़ होना स्वाभाविक है। उनकी कतई फिक्र ना करें, उनकी साजिशों को बेनकाब करते हुए आप सदा राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करें। आप उस पार्टी के सदस्य हैं जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी ही परंपरा को संकल्प भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। इनके आदर्शों पर चलकर इनके सपनों को साकार करना आपका भी फर्ज है। कार्यक्रम के शुरू में क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने सबका स्वागत किया। जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार शुक्ला ने आभार जताया। ऑनलाइन कार्यक्रम में सरकार की मंत्री नीलमा कचियार, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, प्रदेश मंत्री प्रांशु दत्त के अलावा सेक्टर, बूथ और मंडल के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।